2022 का चुनाव नज़दीक है विधानसभा का। किन्नर अखाड़े और किन्नर समुदाय का क्या मांग है 2022 के चुनाव को लेकर, उनकी क्या उम्मीद है और क्या मांगे हैं? हाँ, जय श्री महाकाल। 2022 के चुनाव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो योगी सरकार है किन्नरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे नोएडा में किन्नरों के लिए एक पूरा मेट्रो स्टेशन में जितने भी वहाँ काम करने वाले मेंबर है सब ट्रांसजेंडर है, तो एक काम उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। दूसरा काम उन्होंने पैतृक संपत्ति पे अधिकार है, ये भी किन्नरों को उन्होंने हक दिया है। जैसे आम बच्चे अपने पैतृक संपत्ति पे अधिकार ले सकते हैं, वैसे हम किन्नर समाज भी, हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे भी उसमें अपना पैतृक संपत्ति पे अपना हक जता सकता है। इससे किन्नरों को घर से बाहर नहीं हो पाएंगे, किन्नर अपने घर में ही रह के अपना लालन पालन कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के। अभी हाल साल में ही अभी ट्रांसजेंडर हेल्थ क्लिनिक लखनऊ में बनी हुई है, ये और अच्छी बात है। अपना हार्मोन के बात है, अपना सर्जरी के बात है, हम लोग हर जगह पे जाके अपना बता नहीं सकते थे, हर जगह पे भेदभाव होती थी। ये अब जाके ये हॉस्पिटल, ये हेल्थ क्लिनिक खुला तो हम लोग अपना राय मशवरा ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये बहुत सराहनीय काम है। और दूसरी बात, उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड गठित कर चुके हैं, इससे हमारे किन्नर समाज का उत्थान होगी। किन्नर आगे बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेंगे और मुख्य धारा में जुड़ेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे योगी सरकार को। और मैं ये भी सरकार से ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे भी किन्नर समाज के भी जाके सदन तक अपना आवाज़ उठा सके, सदन में अपना आवाज़ रख सके, अपना मुद्दा रख सके, अपना समस्या रख सके, इसलिए विधान परिषद में और विधानसभा में एक एक सदस्य जरूर किन्नरों का होना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि इसके लिए काम करें, इसके लिए होना चाहिए। और मैं बिल्कुल हमारे जो भी जो 2022 में यदि हमारे किन्नर समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व करता है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और बिल्कुल हमारे योगी जी ने और बहुत अच्छा काम करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उनको मैं सपोर्ट करती हूं और मैं उनको दिल से धन्यवाद भी देती हूं। तो किस तरह से आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगी या फिर आपके समाज के लिए जो करेगा? जी नहीं, मैं पार्टी को नहीं सपोर्ट करूंगी। अभी तो हमारे योगी जी ने हम किन्नरों के लिए बहुत अच्छा काम करे हैं। जैसे शीशा देखते हैं तो भी सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं, तो योगी जी ने हम किन्नरों के लिए इतना, मैंने गिनवाया काम आप लोग को है ना, तो उन्होंने इतना अच्छा काम करे हैं तो मैं बिल्कुल योगी जी को, बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी। कोई अन्य पार्टी आपको टिकट देती है तो आप फिर क्या करेंगी? नहीं, मैं इसके विषय में सोची नहीं हूँ और ना मैं इसमें कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा, अब जो 2022 का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो, मतलब अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें अपनी वाहवाही काम कि हम जनता के लिए करेंगे, हम जनता के लिए वो करेंगे, अगर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या भारतीय बसपा हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर मैनिफेस्टो में अगर किन्नरों की बात रखती हैं कोई भी पार्टी, तो आपका क्या मत होगा? ये अच्छी पहल है, अच्छी बात है। यदि किन्नरों को, यदि उन्होंने मतलब अपने अपने पार्टी से एक सीट देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मेरा आवाज़ भी है और मैं सराहना करूंगी इस बात को, स्वागत करूंगी। मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि योगी सरकार ने इतना अच्छा काम करे है तो मैं योगी सरकार को ही सपोर्ट करूंगी। और क्या मांग है आपकी सरकार से? और मांगे पूरी होनी चाहिए। यही मांग है कि जैसे विधान परिषद विधानसभा में एक एक किन्नर नेतृत्व करके जाए, सदन में अपना आवाज उठाए। और अब देखिए किन्नर कल्याण बोर्ड गठित हुई है तो इससे बहुत सारे किन्नरों के उत्थान होगी, किन्नरों के काम होगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार में किन्नरों के लिए काम होगी। अब देखते हैं आगे और कैसा क्या होता है। तो आप लोग घूम घूम के आह्वान करेंगे कि योगी सरकार को ही सपोर्ट करें?
नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे अपना राय थोप नहीं सकती हूँ। मुझको दिखाई देता है कि योगी सरकार ने किन्नरों के लिए, योगी सरकार के साथ किन्नर अखाड़ा साथ है जी, किन्नर अखाड़ा साथ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि योगी सरकार ने किन्नरों के लिए इतना काम करे हैं, तो मैं उनके काम के हिसाब से मैं उनके सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ में। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी किन्नर अखाड़े की, तो जब आप सहमत हैं तो आपका समुदाय भी सहमत है। बिल्कुल ठीक।